हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप तो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का। ये हमारा थर्ड वीडियो है। तो इस वीडियो में हम फिर से हम वन बाय वन काफी सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे थर्ड पॉइंट में आता है बाय डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू द प्रोडक्ट। अब देखो, डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ट्रेसेबल मतलब आप किसी प्रोडक्ट को देख के आप आइडेंटिफाई कर सको इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट में कौन सा रॉ मटेरियल लगा है। जैसे आप इस पेन को देखोगे, इस पेन को देख के आप इसमें बता सकते हो इसमें प्लास्टिक लगा है, इसमें रबर लगा है। तो इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब देखो, डायरेक्ट कॉस्ट क्या हुआ? जो आप प्रोडक्ट देखते हैं आपने आइडेंटिफाई कर लिया, क्या इसकी रबर, इसकी प्लास्टिक। इसके अलावा आप लेबर को भी आप कर सकते हो, बिकॉज लेबर एक इंटेंजिबल है जिसको आप प्रोडक्ट देख के नहीं लेकिन आप महसूस कर सकते हो विदाउट लेबर ये रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी में आ जाती है। विच इनकर्ड एंड मे बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद ए पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट इन विद मेटेरियल यूज एंड लेबर इम्प्लॉयड इन ए मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल और ए पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। तो जो भी आप चीजों को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इस चीज इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लगा है, डेट इज अ डायरेक्ट और डेट इज बाय डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी हो गया। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हुआ? जिसको आप देख के आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आर दोज कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट एंड कैन नॉट बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट। एग्जाम्पल जैसे सैलरी हो गया, बिल्डिंग का रेंट हो गया, मैनेजमेंट सैलरी हो गया, मशीनरी डेप्रिसिएशन इत्यादि। इसको आप प्रोडक्ट को देख के आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सुपरवाइजर्स की भी सैलरी हो गई, बहुत सारे ऐसे खर्चे होंगे जो इनडायरेक्ट नेचर के होंगे। हाँ, और एक कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया इस कंपनी के लिए सेम दूसरे कंपनी के लिए भी हो सकता है। नहीं, हो सकता है मेरे कंपनी के लिए डायरेक्ट रॉ मटेरियल प्लास्टिक था, आपकी कंपनी में प्लास्टिक नहीं यूज होता हो, आपके यहाँ मेटल के पेन बनते हो, तो आपके लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया? मेटल हो गया। ठीक है, आपके लिए इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है प्लास्टिक। आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में प्लास्टिक यूज करते हो बट वो प्रोडक्ट से डायरेक्टली लिंक नहीं। तो एक कंपनी टू कंपनी वेरी करता है उसका मेन प्रोडक्ट क्या है। जो उसका मेन प्रोडक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी रॉ मटेरियल होगी। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्लासिफिकेशन वेरी टू कंपनी टू कंपनी। नेक्स्ट क्लास है बाई चेंज इन एक्टिविटी ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के बेसिस पे अब हमने क्लासिफाई किया है। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन कॉस्ट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर इन रिलेशन टू चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ऑन दिस बेसिस कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट जो टोटल में हमेशा सेम होता है, पर यूनिट वेरी करता है, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हुआ। किस तरीके से टोटल में सेम होता है? अब जैसे अब हमारी रेंट है फैक्ट्री की, वो हमेशा पर मंथ सेम जाएगा। बट अगर हमने 10,000 यूनिट बनाया तो हमारी कॉस्ट आपका 10,000 था, 10,000 डिवाइड बाई आपने 10,000 कर दिया। ठीक है, 10,000 डिवाइड बाई आपने 10,000 कर दिया। बट सपोज आपने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी, अब 10,000 तो आपका रेंट तो सेम रहेगा, बट आपने 20,000 यूनिट को प्रोड्यूस कर दिया तो आपकी रेंट की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट ना पर यूनिट वेरी करते रहता है लेकिन टोटल में हमेशा सेम रहेगा। ठीक, फिक्स्ड कॉस्ट। इसके एग्जांपल्स आप पढ़ लो, फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट, इंश्योरेंस, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये सब कुछ आ गया। दीज कॉस्ट आर नोन एज पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट मीन टाइम बेसिस, यानी हम मंथली रेंट देते हैं इसको हम पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। बिकॉज दीज आर डिपेंड ऑन टाइम रादर देन ऑन आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? कमिटेड कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट क्या होता है? दीज कॉस्ट आर द रिजल्ट ऑफ इन inevitable consequences of commitments previously made or are incurred to maintain certain facility and cannot be quickly eliminated. The management has little or no discretion in such type of cost. Example, rent, insurance, depreciation of building, committed cost. So committed cost exactly मैं आपको बताऊँ, जैसे rent हो गया, अब suppose अब factory आप जब establish करोगे तो उसको आप जैसे हम room rent पे लेते हैं कहीं रहने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, एक महीने आपने पहले बता दिया आपने रूम खाली कर दिया, या फिर आपसे मकान मालिक भी आपका रूम किराए का खाली करवा सकता है। बट अगर आप फैक्ट्री आप एस्टेब्लिश करो, आपको फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने में 2 महीने 4 महीने लगते हैं, एंड देन आपको कोई अचानक सडन से आके बोले कि आपको कल से फैक्ट्री खाली कर देनी है, आप नहीं कर सकते हो। तो इन डेट केस आप क्या करते हो, लीज करते हो, लीज एग्रीमेंट करते हो, 20 साल, 30 साल, 50 साल के लिए लीज एग्रीमेंट होता है। ठीक है,
और लीज एग्रीमेंट को तो आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, या फिर उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप ब्रीच कर सकते हो। तो ये सारे कमिटेड कॉस्ट हो गए, आपने इसके लिए कमिटमेंट दे दिया है कि आपको 10,000 पर मंथ के हिसाब से आप रेंट पे करोगे अगले 1 साल तक, फिर उसके फर्दर आप, क्योंकि मार्केट में कॉस्ट भी बढ़ता है, इन्फ्लेशन होता है, तो फिर आप फर्दर आप कितना इंक्रीमेंट करोगे सब कुछ लीज एग्रीमेंट में मेंशन किया होता है। अब देखो, आपने कोई प्लांट लगाया, तो प्लांट को ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में इंस्टॉल किया कल उसको हटा दिया, तो इसका डेप्रिसिएशन भी क्या है, फिक्स नेचर का एक्सपेंसेस वो होगा। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आप ईयरली पे करते हो, ठीक है, ये सारे खर्चे हैं, एक फिक्स नेचर का कमिटेड कॉस्ट है। सेकेंड कहते हैं पॉलिसी एंड मैनेज कॉस्ट। पॉलिसी कॉस्ट आर इनकर्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग सम मैनेजमेंट पॉलिसीज। ओके, सम मैनेजमेंट पॉलिसीज एज एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट हाउसिंग इटीसी आर ऑफन डिस्क्रिमिनेटरी। मैनेज कॉस्ट आर इनकर्ड टू इंश्योर द ऑपरेटिंग एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, एग्जांपल स्टाफ सर्विस। देखो पॉलिसी एंड मैनेज कॉस्ट क्या हुआ, सपोज मान लो अब मेरे यहाँ क्या था कि पहले एम्प्लॉयज को मैं कैब फैसिलिटी नहीं देता था, वो बस से जाते थे या ऑटो से जाते थे, बट अब मैंने कैब फैसिलिटी इम्प्लीमेंट कर दिया, अब ये क्या हुआ कॉस्ट को मैंने इंक्रीज कर दिया, फिर पॉलिसी चेंजेस करने की वजह से ये मेरा कॉस्ट इनकर्ड हुआ। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करते हैं। दूसरा डिस्क्रिटरी कॉस्ट। दिस कॉस्ट आर नॉट रिलेटेड टू ऑपरेशन बट कैन बी कंट्रोल बाय द मैनेज। दिस कॉस्ट राइज फ्रॉम सम पॉलिसी डिसीजन न्यू रिसर्च इटीसी कैन बी एलिमिनेटेड और रिड्यूस्ड बाय डिजायरेबल लेवल एट डिस्क्रिशन। अब ऐसा होता क्या है, जैसे मान लो आप को किसी फेयर में जाना है, कोई फेयर में एक्सपोजिशंस होते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स वाले जाके आप पब्लिश करोगे, वहाँ लोगों को दिखाओगे कि आप किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हो, तो आप उसके लिए R&D तो करोगे करोगे ना, बिकॉज मार्केट में जब भी आप किसी एक्सपोजिशन में जाते हो तो आप न्यू प्रोडक्ट्स लेके जाओगे, जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है आप उसको लेके नहीं जाओगे, या फिर आप एग्जिस्टिंग में भी उसी को लेके जाओगे जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आपने कुछ न्यू डेवलपमेंट्स किए थे, जैसे मैं अभी कंपनी में मैं वर्किंग हूँ, तो हम क्या करते हैं जब भी फेयर्स होते हैं तो हम न्यू डेवलपमेंट्स करते हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट्स करते हैं। तो अब जितना ज़्यादा आप डेवलपमेंट पे काम करोगे, रिसर्च पे काम करोगे, न्यू प्रोडक्ट्स करोगे, उतना ज़्यादा आपका एक्सपेंसिस भी तो बढ़ेगा, बिकॉज आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, आपको लेबर चाहिए होगा, और ये सारे सैंपल्स होते हैं, तो सैंपल्स के डेवलपमेंट में कॉस्ट ज़्यादा था, बिकॉज अब सपोज ये फर्स्ट टाइम में पेन बन रहा होगा तो इसको मैं आराम से बनाऊंगा, फिर जब ये पेन फर्स्ट टाइम जब मैन्युफैक्चर हो जाएगा तो फिर इसके लिए मैं फ्रेम्स बनाऊंगा, या फिर मैं डिसाइड कर लूंगा कि इसको मैं किस तरीके से बनाऊँ कि मेरा लो टाइम में हो। प्रोडक्शन एक अलग तरीके से होता है और सैम्पलिंग एक अलग तरीके से होता है, दोनों का तरीका अलग है, दोनों की कॉस्टिंग अलग तरीके से होती है। तो सैम्पल्स की जब डेवलपमेंट होती है तो उसमें टाइम टेकिंग भी होता है, ठीक है, बिकॉज उसकी ड्राइंग होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइंग आपको देख देख के कारीगर जो होता है आपके यहाँ या लेबर वर्कर स्किल्ड लेबर्स होते हैं उसको देख देख के बनाते हैं, तो इनिशियल स्टेज में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए आपको सैम्पलिंग के कॉस्ट में टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप कितने आप सैंपल बनाओगे, 20, 50, 100, 200, 500, ये तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, जितने ज़्यादा आप सैंपल बनाओगे उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट क्या होता है, सच कॉस्ट आर कॉन्स्टेंट ऑफ ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट एंड देन इंक्रीज बाई फिक्स अमाउंट एट ए हाई लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे स्टेप कॉस्ट किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ये स्टेप बाई स्टेप चलता है, यानी इस लेवल पे तो फिक्स रहेगा, फिर इस लेवल पे भी फिक्स रहेगा, इस लेवल पे भी फिक्स रहेगा, सपोज जैसे 0 से 200 यूनिट, फिर 201 से 400 यूनिट, फिर 401 से 500 यूनिट, ठीक है, इस तरीके से करके आपने कॉस्ट डिसाइड कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप कॉस्ट बोलते हैं। जैसे स्टेप कॉस्ट जनरली आता क्या है, बस के केस में आ सकता है, सपोज अब आपके एम्प्लॉयज है, अब 50 एम्प्लॉयज है तो आपने एक बस हायर किया, अब सपोज 100 एम्प्लॉय, मान लो 50 से 60 एम्प्लॉयज हो गया, तो जैसे ही 50 से 1 एम्प्लॉय एक्स्ट्रा बढ़ गया आपको एक एडिशनल बस को हायर करना पड़ेगा, तो वहां पे आपके लिए स्टेप कॉस्ट लग गया। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आप सबको पता है, अब जैसे एक पेन मैं बनाऊंगा तो मुझे एक क्वांटिटी इसकी रॉ मटेरियल की चाहिए, दो पेन बनाऊंगा तो दो क्वांटिटी रॉ मटेरियल की चाहिए, सेम लाइक इसके लिए लेबर भी उसके अकॉर्डिंग चाहिए होगी, तो जो कॉस्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है उसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे रॉयल्टी। अब मान लो इस पेन को बनाने के लिए मुझे किसी पार्टिकुलर कंपनी को कुछ रॉयल्टी पे करनी पड़ रही होगी, तो वो तो पर पेन के हिसाब से लेगा,
तो वो कॉस्ट में मेरी डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। डायरेक्ट कॉस्ट हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है। देखो इसको डायरेक्ट कॉस्ट को आप वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हो या फिर आप इसको मार्जिनल कॉस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ लेना, मैं रीड करवा देता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट है दोज विच आर वेरी इन टोटल इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। दिस कॉस्ट पर यूनिट रिमेन रिलेटिवली कॉन्स्टेंट विद द चेंज इन प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट फ्लक्चुएट इन टोटल अमाउंट बट टेन टू रिमेन कॉन्स्टेंट पर यूनिट। ये मैंने आपको बताया था फिक्स कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट भी इसी तरीके से होता है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, पर यूनिट हमेशा फिक्स रहेगा, टोटल में वेरी करेगा। जैसे अब मुझे दो पेन बनाने, तो दो मुझे 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अब 2 यूनिट 2 kg रॉ मटेरियल के लिए मुझे कॉस्ट उतनी बढ़ जाएगी। 10 पेन बनाऊंगा तो 10 kg चाहिए होगा, तो 10 kg का मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा। जितने यूनिट बढ़ाते जाऊंगा उतनी मेरी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, जितनी यूनिट कम करते जाऊंगा उतनी मेरी कॉस्ट कम होती जाएगी। फिक्स कॉस्ट में क्या था, जितनी यूनिट आप बढ़ाते जाओगे उतनी उसकी कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी, बट टोटल में तो सेम रहेगा। टोटल में ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जिसमें फिक्स कॉस्ट का भी नेचर होता है और वेरिएबल कॉस्ट का, मतलब नेट टोटल में सेम होगा और एक टोटल में वेरी भी करेगा बट उस रेशियो में नहीं करेगा जिस रेशियो में वेरिएबल कॉस्ट करता है। जैसे मान लो हो सकता है वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, आपका पर यूनिट पहले 10 रुपये कॉस्ट आ रहा था, अब आपने लेवल ऑफ एक्टिविटी पहले आप 10,000 यूनिट्स बनाते थे, अब आपने 20,000 कर दिया, तो अब 20,000 पे 10 रुपये यूनिट नहीं रहा, 10.5 हो गया या 9.8 हो गया। तो मतलब चेंज तो हो रहा है, ठीक है, बट ये इस तरीके से चेंज हो रहा है कि इसमें फिक्स कॉस्ट का भी नेचर है और वेरिएबल कॉस्ट का भी नेचर है, तो इसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे अदर एग्जांपल ऑफ सच कॉस्ट आर डेप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट इत्यादि। एक सेकंड, हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर दोज व्हिच आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन एक्सपेंसेस इंक्लूड ए फिक्स्ड पोर्शन ऑफ मंथली चार्जेस प्लस वेरिएबल चार्जेस अकॉर्डिंग टू कॉल। The total telephone expenses are semi-variable. Other example of such costs are depreciation, repair, and maintenance of building, plant, etc. ये सब कुछ nature है semi-variable cost के examples से। Telephone expenses की बात करें तो telephone expenses क्या होता है? अगर telephone ले लो या फिर आप electricity का खर्चा ले लो। अगर electricity के expenses को भी आप देखो, अगर आप electricity आप बिल्कुल भी ना use करो तो भी fixed amount electricity board आपसे charge करती है। फिर उसमें क्या होता है, अगर आपने 200 यूनिट तक use किया तो फिर एक अलग कॉस्ट आ जाएगी, अगर आपने 400 तक यूज किया तो आपकी एक अलग कॉस्ट आएगी, तो वहां पे सेमी वेरिएबल नेचर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस टॉपिक हम डिस्कस करेंगे।